Hello friends, whenever I interact with youngsters or students and ask them as to why you could not do certain things in a proper way, what they do? The thing is that they keep on giving excuses after excuses after excuses. Sir, I could not do this particular thing, that is because my father and mother, they are not properly learned. My financial condition is not good, so I could not purchase this thing. I didn't have a motorcycle, I didn't have a cycle, or whatever. There are in fact hundreds of reasons they are giving. Why they are giving the reasons? This is called excuse giving tendency. Do you know? This excuse giving tendency is on ascendance right now. About 95% youngsters, students, they are not able to do what they in fact want to do. And what they are doing? Instead of doing the kind of hard work that is required or the sincerity that is required, instead of doing the hard work, what they are doing, they are giving excuses after excuses. I told you something about excuses. Today's session, we are going to discuss about this no excuse please. Today's session is no excuse please. That is because I want you to give no excuses at all and keep on certain things or keep on doing or keep on rather achieving your dreams. अब एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो excuse giving tendency है, what is that excuse giving tendency? Well, excuse giving tendency वो ये tendency है कि जब हम कोई चीज ढंग से नहीं कर पाते हैं, अब जब कर नहीं पाते हैं तो क्यों नहीं कर पाते हैं, इसके लिए एक नहीं हमारे पास में 50 reason मौजूद है. अब ये मैं आपको यहाँ पर इस सेशन में ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं कि जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं. अब जेन्युइन प्रॉब्लम होते हुए भी उन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया है और उन्होंने ऐसे काम कर दिया है कि जो करना हमारे लिए लगभग असंभव है. एक बात बता देता हूँ आपको कि ये एक्सक्यूज गिविंग टेंडेंसी जो है वो जिसको हम कॉन्टेजियस कहते हैं. कॉन्टेजियस का मतलब है अगर आप एक बार आपको आदत पड़ जाती है एक्सक्यूज देने की कि मुझे मैथ्स में मार्क क्यों नहीं अच्छे मिले, आप एक्सक्यूज देने लग जाते हो कि सर मैं जब प्री प्राइमरी में था या प्राइमरी में था तब से मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे बराबर पढ़ाया नहीं है और दैट इज व्हाई मेरा जो बेस है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए मुझे मैथ्स अभी भी जमता नहीं है. चालू हो गए वैसे ही इंग्लिश का, वैसे ही साइंस का, वैसे ही संस्कृत, मराठी और व्हाटएवर सब्जेक्ट इन व्हिच यू आर नॉट डूइंग वेल. बट यू आर बेस्ट. You are best at what? You are best at giving excuses. हमें आज यही आपको सिर्फ डिस्कस करना है कि ये excuse giving tendency हमें क्यों छोड़ना है. बहुत क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये है contagious. बस एक ने excuse देना चालू किया कि दूसरा भी excuse देना चालू कर देता है. इसके विरुद्ध अगर हम सोचते हैं कि एक बार आप ये excuse giving tendency बंद करो तो दूसरे आपके कॉन्टेक्ट में जितने भी लोग आते हैं वो आपकी तरफ अलग नजर से देखते हैं. अलग नजर से कैसे देखते हैं? यार ये व्यक्ति देखो कितना डेड पॉजिटिव है, कभी कोई एक्सक्यूज देता नहीं है. और नेचुरली आपकी तरफ देखने का नजरिया लोगों का बहुत अच्छा हो जाता है. आज हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा मैं आपको ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताना चाहता हूं कि जिन्होंने जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते हुए भी इतने बड़े बड़े काम किए हैं कि जो हम कभी नहीं कर पाते. लेकिन ये सब करने से पहले हम लोग कुछ थोड़े से एक 5-7 गोल्डन रूल्स देख लेते हैं. अब ये गोल्डन रूल्स क्या है? तो गोल्डन रूल इज दिस. पहली बात तो ये है कि ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट यू हैव रादर देन व्हाट यू डोंट हैव. हर एक के पास में इतना सारा टैलेंट मौजूद है. अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि जो हमको आता नहीं है उसी पर इतना सारा फोकस करते रहते हैं. अब जो आता है उसका क्या? अब जो आता है उसमें फिर अच्छा करते हैं ना. जब आप कहते हो कि आपका मैथ्स ठीक नहीं है या आपको और कोई प्रॉब्लम है तो बाकी सब्जेक्ट्स में आपको बहुत बढ़िया मार्क्स मिल रहे हैं क्या? नहीं, फिर कैसा चलेगा? दूसरी बात तो इसलिए पहली बात यह है कि आपका जो अच्छा है उस पर आप फोकस करो. दूसरा, कोई भी प्रॉब्लम रहने दो, इट कम्स विद अ लेसन. कोई भी प्रॉब्लम अगर है आपके लाइफ में तो आराम से उसको स्टडी करो. जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारा मैथ्स ठीक नहीं है. मैथ्स ठीक नहीं है का मतलब क्या हो गया है? पहले ही आपको बता दिया, मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जब हम बार बार ये बताते हैं कि मेरा मैथ्स ठीक नहीं है, मैथ्स ठीक नहीं है, तो क्या होता है?
इट गेट्स रजिस्टर्ड देयर। अब एक बार जैसे ही रजिस्टर्ड हो जाता है तो क्या होता है, आप जब भी मैथ्स की स्टडीज को बैठते हैं तो आपका माइंड आपको प्रॉम्प्ट करता है कि सी यू आर नॉट गुड एट मैथ्स, यू आर नॉट गुड एट मैथ्स, वो इस तरह से प्रॉम्प्ट करता है। तो आप क्या करते हो कि आपका स्टडीज का लेवल जो है वो थोड़ा सा गिर जाता है, उतना फोकस आप नहीं रखते हो जितना अदरवाइज रखना चाहिए। और एक बात, डोंट बिलीव ऑल दोज नेगेटिव थिंग्स व्हिच कम्स टू योर माइंड। अब देखिए जितनी सारी चीजें आप सोचते हो सभी पॉजिटिव सोचते हो क्या? नहीं। अब बात यह है कि पॉजिटिव चीज के बारे में बहुत कम सोचते हैं और निगेटिव के बारे में ज्यादा। अब प्रॉब्लम यह है कि 5 साल के निगेटिव बातें आपके किसी ने आपको बताया, आपके दोस्तों ने या और कहीं से आपने पढ़ लिया है, तो उन सबको बिलीव करने की क्या जरूरत है? आप जितना निगेटिव पे बिलीव करेंगे, जैसे किसी दोस्त ने आपको ऐसे ही बोल दिया कि यार यू आर नॉट गुड इन इंग्लिश, अब इंग्लिश में आप बात नहीं कर सकते हो या इंग्लिश लिख नहीं सकते हो, तो व्हाई डू यू बिलीव? ऐसी कौन सी बात है उसमें? अगर आप थोड़ा सा उसके पीछे लग जाए, महीना 2 महीना अगर उसके पीछे लग जाए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं इंग्लिश में अच्छा लिख भी सकता हूँ और इंग्लिश में अच्छा बोल भी लेता हूँ। तो नेचुरली लोगों का जो निगेटिव चीजें है उस पर ज्यादा बिलीव मत कीजिए। और आपके पास में जैसे मैंने पहले बताया था कि फोकस ऑन व्हाट यू आर हैविंग रादर देन व्हाट यू आर नॉट हैविंग। तो जो चीजें आपके पास में है उस पर तो पहले आप अमल करो। जैसे आपके पास में बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप अच्छे स्कूल में जा रहे हो, इतने अच्छे टीचर्स हैं आपके, और फैसिलिटीज आर देयर, जो भी आपके मुंह से निकलता है वो आपके पेरेंट्स आपको तुरंत प्रोवाइड करते हैं। अब इतना सारा आपके पास में है, तो इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड यू कीप ऑन गिविंग एक्सक्यूजेस। इतनी अच्छी चीजें अब आपके पास में है तो आपको ये मालूम होना चाहिए, अब ये एक्सक्यूज गिविंग के बजाय ग्रेटिट्यूड गिविंग अगर टेंडेंसी रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरी बात है, यू मस्ट कीप वन थिंग इन माइंड दैट देयर इज सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम रहने दो, उसको सॉल्यूशन है। अब मैं थोड़ा सा क्लियरली बता देता हूं कि आई पर्सनली फील दैट समय, पैसा और पेशेंस, ये 3 चीजें अगर आपके पास में है तो आप कोई भी चीज का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो सोचिए आप, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप इस पर सॉल्यूशन निकालते हो। सो अगर आप स्टूडेंट्स भी हैं, कोई चीज आपको जमती नहीं है, कोई सब्जेक्ट बराबर ठीक समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करना है? बस समय देना है। मैंने बोला है टाइम, मनी एंड पेशेंस, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स विच कैन सॉल्व एनी डैम प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। अब हर चीज परफेक्ट करना है कि पीछे मत पड़ो। हर चीज अगर आप परफेक्ट करने लगोगे तो बहुत सारी चीजें करने के लिए आपके पास में समय नहीं रहेगा। तो बेटर यह है कि परफेक्शन के पीछे बिल्कुल मत दौड़ो, कोई भी चीज अच्छी करने का प्रयत्न करो, एंड दैट्स ऑल। अब नाउ व्हाट, अब और आपको, अब ये जो चीजें थी, दीज वर द गोल्डन रूल्स, ये पहले हमको, ये जो 6 चीजें हैं जो मैंने बताई है, वो अगर हम ढंग से इसको फॉलो करते हैं तो क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड बन जाता है। अब पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड बनने के बाद में, नाउ लेट अस डिस्कस द एक्सक्यूजेस व्हिच वी आर गिविंग व्हेन देयर आर नो एक्सक्यूजेस एट ऑल। कैसे? अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आप क्या एक्सक्यूज देते हो। एक क्लासिक एक्सक्यूज सब लोगों का क्या रहता है, आई हैव हैड वर्स्ट चाइल्डहुड, मेरा बचपन जो है वो बहुत गरीबी में बीता है, इसलिए क्या हो गया है कि it was not possible for me to get over it। अब इतना बचपन में मुझे तकलीफें हुई थी, इसलिए मेरे पेरेंट्स मुझे बराबर ढंग से सिखा नहीं पाए और नेचुरली मैं अपना ग्रोथ ढंग से कर नहीं पाया। अब क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे कई कई लोग पड़े हैं कि जिन्होंने ऐसे काम किए हैं जिनको हम कहेंगे वर्स्ट चाइल्डहुड रहा है। अब किस किस के नाम लें हम लोग, जैसे लैरी एलिसन है, लैरी एलिसन ऑपरा विनफ्रे के बारे में आप जानते हो। लैरी एलिसन कौन है? ओरेकल जो कंपनी है, ओरेकल कंपनी के ओनर है ये, और ये सब जो है ओपरा विनफ्रे क्या, लैरी एलिसन क्या, इनका बचपन जो है वो ओपरा विनफ्रे का तो जेल में गया है बहुत सारा पीरियड, इनिशियली उनका जेब पत्र के साथ में वो रहती थी। लैरी एलिसन का भी ऐसा ही काम है, कोई पैसा नहीं है, पेरेंट्स ने निकाल दिया है, सिमिलर लाइक स्टीव जॉब्स। लेकिन अपना इंटरेस्ट जो मैंने पहला आपको बताया, फोकस ऑन व्हाट यू आर हैविंग,
इन दोनों को यह मालूम था कि अपने पास में क्या है, इसलिए व्हाट दे डिड, उन्होंने एक ही काम किया कि जो चीज उनको अच्छी तरह से आती थी उस पे फोकस किया। अब गरीबी है तो है, उसमें क्या है, गरीबी में आप पैदा हो सकते हैं लेकिन गरीबी में मरना या नहीं ये आपका चॉइस है, ये इन दोनों का कहना है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमने जो दूसरा चॉइस था वो हमारा था कि गरीबी में पैदा होना ये आप, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन गरीब मरना नहीं है ये हमारे हाथ में था, इसलिए जो हमको पसंद था जो हमको आता था उस पर हमने कॉन्सेंट्रेट किया। वेल, दूसरा एक्सक्यूज क्या है, आई कुड नॉट डू एनीथिंग बिकॉज माई पेरेंट्स वर वेरी पुअर एंड कुड नॉट अफोर्ड माई एजुकेशन। अब मुझे बताइए, ये मैक्सिमम लोगों के पास में एक एक्सक्यूज है, लेकिन अगर हम लोग इसके बारे में सोचते हैं तो हमारे बहुत ही जो आदरणीय प्रेसिडेंट हो चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनका लाइफ कितना हार्ड था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कोई खाने की अरेंजमेंट नहीं है, उसके बाद में कोई बराबर प्रॉपर स्कूलिंग नहीं है, हम रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे जाके न्यूज़पेपर बेच रहे हैं, और उसके बाद में भी आप दुनिया के बहुत नामचीन बड़े साइंटिस्ट हो सकते हो और एक देश के प्रेसिडेंट बन सकते हो। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमने कभी रेलवे स्टेशन पे जाके पेपर नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो नेचुरली हम प्रेसिडेंट भी बन नहीं सकते। हमारा एक ही काम है जो हमारे एक्सक्यूजेस है, बस वो देते रहते हैं। अब ये लोग वो है कि जिनको जेन्युइन एक्सक्यूज थे, जिन्होंने देना चाहिए था, लेकिन वो एक्सक्यूज नहीं दे रहे हैं, और हमको जब कोई एक्सक्यूज है नहीं तो हम एक्सक्यूज दे रहे हैं। एक क्लासिक एक्सक्यूज आप लोगों का एक और बता देता हूँ, ये एक्सक्यूज गिविंग टेंडेंसी पे हम लोग लेक्चर दे रहे हैं आज का सेशन जो है, आई कुड नॉट सक्सेस बिकॉज आई डिड नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन। अब जब आप बड़े बन जाते हो, ढंग से आपका एजुकेशन नहीं हुआ है, नहीं सर मैं तो खेड़े में था। अब खेड़े में सर क्या रहता है आपको मालूम है, वहाँ बराबर स्कूलिंग बराबर नहीं है, टीचर्स बराबर नहीं है, फैसिलिटीज बराबर नहीं है, अब मैं कैसे कर सकता हूँ, वहाँ पर तो कुछ मिला नहीं मुझे। अब इस तरह का अगर आप इस तरह का दोगे आप तो कैसा चलेगा। अब जो एक्चुअल मैंने लैरियलिसन के बारे में आपको बताया, स्टीव जॉब्स के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं कि वो किस तरह से एक टाइम खाते थे, एक टाइम हरे राम हरे कृष्ण टेम्पल में जाके खाते थे। अब ट्रीटमेंट ऐसा था कि कोई पेरेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे धीरू भाई अम्बानी जो है, जो 5 रुपए रोज पे पेट्रोल पंप पे काम करने वाले लोग थे, अब ऐसे जो लोग हैं इन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया है। इनकी प्रायोरिटी या फिर उनके लाइफ के जो एक्सक्यूजेस तो वो इस कदर थे कि न पेरेंट्स के पास में पैसा था, न पेरेंट्स को कुछ समझता था, तब भी इन्होंने जो करना था उन्होंने एक्सक्यूज किया, दैट इज बिकॉज उन्होंने एक ही किया, दे लेड लाइफ विद पैशन। अब जब तक हम पैशनेट हमारा लाइफ लीड करने के लिए फील नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, कुछ मिलेगा भी नहीं। और एक एक्सक्यूज मैं आपको बताता हूँ, इसमें हम कहते हैं कि सर क्या हो गया कि मेरे पेरेंट्स या फिर मेरे फादर या मेरी मदर जो है वो बहुत जल्दी एक्सपायर हो गई, अब एक्सपायर होने की वजह से क्या हो गया सर कि बहुत सारे मुझे जो चीज़ें मिलने चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली है। अब आप जानते हो कि एज फार एज वी आर कंसर्न हमारे पास में यार रहमान जैसा अनुभव है कि जिनके पेरेंट्स वेन ही वॉज टू पेरेंट्स पास्ट आउट हो गए, उनका बड़ा जो पूरा जो पीरियड था इनिशियल वो सब एक मॉस्क में निकला है। अब इतना सब होने के बाद में हम लोग क्या कहते हैं कि एआर रहमान वो संगीतकार है जो समय से आगे का संगीत देता है, जिसने ऑस्कर जीता है। हिंदुस्तान में आज की घड़ी में एआर रहमान से बड़ा संगीतकार या म्यूजिक डायरेक्टर जिसको हम कहते हैं बिल्कुल नहीं है। अब मुझे बताइए, पेरेंट्स नहीं है, आपका पूरा बचपन जो है वो मॉस्क में जा रहा है, येट यू आर वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर of the world. अब ये कैसे पॉसिबल है बताओ, कैसे पॉसिबल है। और एक एक्सक्यूज मैं आपको बता देता हूं, आई हैव नो मनी टू बाय गुड व्हीकल्स। सर अभी इतने दूर दूर कैसे जा सकते हैं सर, कोई ढंग की पिताजी ने मुझे कोई स्कूटी लेके नहीं दिया है या एक्सेस लेके नहीं दिया, टू व्हीलर्स दे नहीं रहे हैं। अब ये साइकिल जो है सर, साइकिल से हम इधर उधर तो नहीं जा सकते हर बार। अब मुझे बताइए, इस तरह की एक्सक्यूजेस देके अगर आप कोई अच्छी क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे हो, अच्छे स्कूल के लिए नहीं जा रहे हो, अच्छी जगह पर ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं जा रहे हो, तो यू आर एट फॉल्ट। कोई मीनिंग नहीं है एक्सक्यूज देने में, क्योंकि आप जानते हो कि वॉशिंग पाउडर निरमा
का नाम आप सबने सुना है कि जिसके इंचार्ज जो है वो करसन भाई। अब करसन भाई जो थे हमारे करसन भाई पटेल, वो इनिशियली पूरे 2 साल सिर्फ और सिर्फ साइकिल पर घूमकर उन्होंने निर्मा का काम किया। एक्सक्यूज किसने देना है, उन्होंने या हमने? 100% वो उन्होंने एक्सक्यूज देना था, लेकिन इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी एक्सक्यूज एट ऑल दे केप्ट ऑन वर्किंग, केप्ट ऑन वर्किंग वेरी हार्ड एंड दैट टू इन ऑल सिंसियरिटी। एंड देन कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं, मैं इनको अनफॉर्चुनेट भी कहूंगा, किसी किसी का ट्रेजिक एक्सीडेंट हो जाता है। अब ट्रेजिक एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है, सर ये एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। अब जेन्युइन एक्सीडेंट जिनके होते हैं वही हमको इंस्पायर करते हैं। हम लोगों को ऑस्कर पिस्टोरियस के बारे में बिल्कुल मालूम है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऑस्कर पिस्टोरियस जो है इज अ साउथ अफ्रीकन रनर, बचपन में एक एक्सीडेंट की वजह से दोनों पांव कट गए। अब दोनों पांव कट गए तो उसने क्या करना चाहिए था? बस जो हम हिंदुस्तान में करते हैं, हिंदुस्तान में एक ही चीज होती है, बस भीख मांगते हैं दोनों पांव जिसको नहीं रहते। व्हाट ऑस्कर पिस्टोरियस डिड, उसने कहा नहीं मुझे दौड़ना है, दैट इज बिकॉज रनिंग इज माई पैशन। ऑस्कर पिस्टोरियस ने कहा कि फिर उसके लिए मुझे कुछ आर्टिफिशियल लिम्स लगवाना पड़ेंगे, फिर आर्टिफिशियल लेग्स लिए जिसको हम आजकल ब्लेड रनर ब्लेड कहते हैं। अब वो थोड़े लेग्स अलग होते हैं, वो ब्लेड ब्लेड लगा लिए उसमें, ब्लेड से आपको दौड़ने में आसानी हो जाती है। अब ऑस्कर पिस्टोरियस को अभी ब्लेड ब्लेड रनर कहते हैं। ऑस्कर पिस्टोरियस ने क्या किया है, वो दौड़ता रहा, फिर जब हैंडीकैप लोगों के साथ में दौड़ा उसमें रेसेस जीतता रहा, फिर जब उसने बोला कि हैंडीकैप लोगों के साथ में बहुत मैं मेरी रेसेस हो गई, अब ऐसा करते हैं कि मैं जिनको अच्छे पांव हैं उनके नॉर्मल लोगों के साथ में दौड़ता हूं, उनके साथ में दौड़ा, ही वेंट ऑन टू बिकम नेशनल चैंपियन ऑफ साउथ अफ्रीका इन 400 मीटर्स। उसके बाद में लेटर ही वेंट ऑन टू रिप्रेजेंट साउथ अफ्रीका इन ओलंपिक्स आल्सो। अब ओलंपिक्स में सभी देशों के बड़े बड़े एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भी ऑस्कर पिस्टोरियस सेमीफाइनल तक गया है। अब सेमीफाइनल में वो हार गया। अब मुझे बताओ, जिस व्यक्ति को दो पांव नहीं है वो ओलंपिक में सेमीफाइनल तक जाता है, और सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये है कि ऑस्कर पिस्टोरियस ने सेमीफाइनल में वो टाइमिंग दिया है जो हमारे 132 करोड़ भारतीय में से एक भी व्यक्ति दे नहीं सकता। दोस्तों, जिसके पास में दोनों पांव नहीं है वो व्यक्ति आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कर रहा है, कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा है। टॉम क्रूज के बारे में भी कितना बताया, उतना कम है। टॉम क्रूज अभी लीडिंग हॉलीवुड का एक हीरो है, एक्टर है, मिशन इम्पॉसिबल 1, 2, 3, 4 सीरीज में बहुत सारे काम किए हैं, टॉप गन्स वगैरह जैसे बहुत बड़े बड़े मूवीज हैं। उसको डिसलेक्शिया है। अब डिसलेक्शिया है, बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती है। अब याद नहीं रहती थी तो बड़े मुश्किल से स्कूल में पास आउट किया है। अब लेकिन उसको ये मालूम था कि मैं क्या चीज अच्छी कर सकता हूँ। डिसलेक्शिया है, याद नहीं रह सकता, तो कोई और दोस्तों का सहारा लिया। अब दोस्तों का सहारा लेने के बाद में क्या किया, दोस्तों से हेल्प ले लेके उन्होंने डायलॉग याद रखना चालू कर दिया, और आज क्या हो गया है कि डिसलेक्शिया के साथ में जीने वाला टॉम क्रूज इज बीन द टॉप एक्टर ऑफ हॉलीवुड। ऑस्कर पिस्टोरियस को ले लीजिए, टॉम क्रूज को ले लीजिए। दोस्तों, आज ये जो बातें मैंने आपके साथ में शेयर किया वो इसलिए शेयर किया है कि आप लोगों को एक्चुअली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे पेरेंट्स हैं, अच्छा स्कूल है, अच्छी क्लासेस है, ऑल फैसिलिटीज आर देयर। अब आपको करना क्या है, बस सिंसियरली जो चीजें आपके पास में अच्छी है उस पर फोकस करो और अच्छा काम करो, और आपके पेरेंट्स से आपको जो होप्स है उस पर अमल करो। वो अगर आपसे कुछ होप रखते हैं तो आपको भी वैसा ही काम करना है। थोड़ी और सिंसियरिटी बढ़ाओ, थोड़ा और डेडिकेशन बढ़ाओ। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर कोई चीज है तो वो ये है कि एक्सक्यूज देना बंद करो। तो मुझे ये आता नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, तो आपके पास में लिस्ट रहती है। अब लिस्ट देना बंद करो और काम देना चालू करो। एक्सक्यूज गिविंग टेंडेंसी जो है वो बहुत डेडली है। जितना जल्दी बंद कर सकते हो उतना जल्दी बंद करो। और मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता, वो सब्जेक्ट नहीं आता, बिल्कुल बोलना नहीं है, अच्छा मेहनत करो। That's all, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट संडे को हम कोई और सेशन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।